तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप अपना ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं उस पर वीडियो कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वीडियो कॉल करने के बाद जब सामने वाला रिसीव कर लेगा, जैसे यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर रिसीव करने के बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो स्मार्टफोन है। तो अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं इस स्मार्टफोन का स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ इस स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, और यहाँ पे शेयर का एक एरो दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस स्मार्टफोन का स्क्रीन इस स्मार्टफोन में शेयर हो गया है। अब यहाँ पर जो कुछ भी मैं शेयर करूँगा यहाँ पे शेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप का यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं वापस चला जाऊँगा बैक, तो जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा ये स्क्रीन इस स्मार्टफोन में यानी कि इस डिवाइस में शेयर होगा, और जिससे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँगा वो हमारा स्क्रीन देख पाएगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक का चैटिंग किसी के साथ शेयर करना है, अगर उसे दिखाना है अगर फेसबुक का हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन करके हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। अगर मैसेंजर है तो मैं मैसेंजर पर भी जा कर के दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ इस स्मार्टफोन में, यानी कि जो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है वो देख सके, तो यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि मैं किसके किसके साथ चैटिंग किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम जिस एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं या कोई सेटिंग गड़बड़ी हो गई है, अगर हमको सेटिंग में कुछ बताना है तो यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करके जो कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके अपने डिवाइस का डिस्प्ले दूसरे किसी फ्रेंड के साथ या किसी रिलेटिव के साथ डिस्प्ले शेयर कर सकते हैं।